नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय करेंसी पर। जान दी जाती है पुराने नोट व सिक्कों की सही जानकारी। मैं हूं आपका दोस्त महेश प्रजापति। अगर आप कॉइन कलेक्टर हैं, अगर आप कॉइन का कलेक्शन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं इन एक रुपये के सिक्कों में आने वाली डाइवराइटीज के बारे में। दोस्तों, ऐसे सिक्कों की मार्केट में डिमांड होती है क्योंकि ऐसे सिक्के मार्केट में आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपको इन सिक्कों की जानकारी तो ऐसे रेयर स्केयर कॉइन को ढूंढने में आसानी होती है। इन सिक्कों की जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, वीडियो स्किप मत करना, वरना आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो होने वाली है खास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल बटन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सके। दोस्तों, सबसे पहले इस एक रुपए के सिक्के के बारे में बात करते हैं जो नृत्य मुद्रा की थीम पर जारी हुए थे। इस एक रुपए के सिक्के में दो तरीके की वेरायटी पाई जाती है, एक तो डाई वेरायटीज और दूसरी म्यूल वेरायटी। म्यूल वैरायटी के बारे में पहले ही वीडियो बना दिया गया है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। दूसरी वैरायटी डाई वैरायटी, जिसकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये सिक्के 2007 से लेकर 2010 तक बने थे। इन सिक्कों की थीम थी नृत्य मुद्रा और ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। इनका वजन 4.85 ग्राम होता है, साइज 25 mm और शेप सर्कुलर है। इन सिक्कों के डिज़ाइन एंड फॉर्मेट की बात करें तो सामने की ओर भारत और इंडिया सीधी लाइन में लिखा गया है, बीच में अशोक स्तंभ दिखाया गया है, सत्यमेव जयते के साथ, और नीचे ईयर दिखाया गया है। बीच में दो हॉरिजेंटल लाइन दिखाई गई है। रिवर्स साइड की बात करें तो रिवर्स साइड में अंकों में एक दिखाया गया है, रुपया हिंदी में लिखा गया है, रूपी इंग्लिश में लिखा गया है और एक थंब का निशान दिखाया गया है। दोस्तों, इस एक रुपये के सिक्के में जो डाई वैरायटी पाई जाती है वो रिवर्स साइड में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो नॉर्मल कॉइन है उसमें आपको थंब दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप देखिए कि इस थंब में जो अंगूठा दिखाया गया है उसमें न तो नाखून दिखाए गए हैं न लाइनें दिखाई गई हैं, जबकि जो दूसरा सिक्का है उसमें आप देखेंगे तो उसमें नाखून दिखाए गए हैं अंगूठे के और जो लाइनें हैं वो भी दिखाई गई है। आप इन दोनों कॉइनों में अंतर देख सकते हैं कि जो सेकंड कॉइन है उसके अंदर आपको नाखून भी दिखाई दे रहे हैं और अंगूठे की जो लाइनें हैं वो भी दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये वैरायटी देखने को मिलती है 2007, 2009, 2010 और 2008। इन वैरायटी में 2007 और 2009 के कॉइन स्केयर कॉइन है जिनकी कीमत 30 से 50 रुपए है। 2010 का कॉइन सामान्य कॉइन है जिसकी कीमत 3 से 5 रुपए है। वहीं 2008 का सिक्का एक रेयर कॉइन है जिसकी कीमत की बात करें तो वो कीमत जाती है 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक। अगर आपके पास ये ऐसे पुराने सिक्के किसी डब्बे में बंद पड़े हैं तो देखिए कि उनमें ये डाई वैरायटीज के कॉइन है कि नहीं। दोस्तों, वैसे तो ये नॉर्मल कॉइन है लेकिन इन सिक्कों में डाई वैरायटीज के कारण ये रेयर सिक्के बन जाते हैं और कलेक्शन के लिए ये बहुत ही खास सिक्के हैं, क्योंकि कॉइन कलेक्टर ऐसे डाई वैरायटीज का कलेक्शन करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सिक्के की जो कि मेरे हाथ में है, आप देख रहे हैं ये सामान्य से दिखने वाला सिक्का, इसके अंदर भी एक डाई वैरायटी पाई जाती है। वो कौन सी डाई वैरायटी है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये सिक्के फ्लोरल पैटर्न पर बने हैं और ये सिक्के 2011 से लेकर 2019 तक जारी हुए थे। इनका जो मेटल है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, वजन में 3.80 ग्राम है, साइज 22 mm है, शेप सर्कुलर है। दोस्तों, ये वैसे भारत के सभी मिनटों में जारी हुए थे सिक्के, और सिक्के की इसकी डिज़ाइन एंड फॉर्मेट की बात करें तो ओवर साइड लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत दिखाया गया है, राइट साइड में इंडिया इंग्लिश में लिखा गया है,
ऊपर अशोक स्तंभ दिखाया गया है सत्यमेव जयते के साथ। सिक्के के रिवर्स साइड की बात करें तो रिवर्स साइड में रुपीज का टॉप में सिंबल दिखाया गया है, जो 2011 से ही इन सिंबल की शुरुआत हुई थी, इससे पहले रुपया लिखा जाता था। दोस्तों इस सिक्के के दोनों ओर दो बेल दिखाई गई है गुलाब की, और बीच में अंकों में एक है, और नीचे ईयर दिखाया गया है, और साथ में मिंट मार्क दिखाया गया है कि ये सिक्के कहाँ पर बने हैं। दोस्तों इस 1 रुपये के सिक्के में जो डाइवेरिटी पाई जाती है वो है रुपीज के सिंबल में। इस सिंबल में आपको एक डाइवेरिटीज के अंदर मोटा दिखाया गया है, जबकि दूसरी डाइवेरिटीज के अंदर ये पतला दिखाया गया है। आप इनमें अंतर देख सकते हैं कि पहली जो डाइवेरिटीज है उसके अंदर ये रुपीज का सिंबल मोटा है, जबकि दूसरी वेराइटीज के अंदर ये रुपीज का सिंबल मामूली सा पतला दिखाया गया है। दोस्तों ये वेराइटी पाई जाती है 2011 के बॉम्बे मिंट में और हैदराबाद मिंट में, और दोनों इसके स्केयर कॉइन हैं, और इनमें जो स्केयर कॉइन है जो मोटा वाला मोटा दिखाया गया है सिंबल वो स्केयर कॉइन है, आप उसे कलेक्ट कीजिए। स्केयर कॉइन की कीमत की बात करें तो कीमत है 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक। अगर ये सिक्का UNC कंडीशन में मिला आपको तो सिक्के की कीमत 50 रुपये तक जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस क्रॉस कॉइन की 1 रुपये के सिक्के की, जो कि 2004, 2005 और 2006 में जारी किया गया था ये सिक्का। दोस्तों इस सिक्के में वैसे तो रेयर सिक्का भी आते हैं और स्केयर कॉइन भी आते हैं, इस सिक्के की जानकारी आपको होगी। 2004 का सिक्का एक रेयर कॉइन है बॉम्बे मिंट का, वहीं 2006 का सिक्का स्केयर कॉइन है, जबकि 2005 के सिक्के सामान्य सिक्के हैं, लेकिन इन सामान्य सिक्कों में 2005 के डाइवेराइटीज पाई जाती है। इसके फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, वजन में लगभग 5 ग्राम के आसपास, साइज 25 mm, शेप सर्कुलर है। इस सिक्के की ओवर साइड की बात करें तो भारत रे इंडिया एक सीधी रेखा में दिखाया गया है, बीच में अशोक स्तंभ के साथ सत्यमेव जयते के साथ लिखा गया है, अंकों में एक है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2005 लिखा गया है। दोस्तों इन जो वेराइटी में पाई जाती है वो है 2005 के अंदर आपको देखने को मिलता है 2005 में जो 5 है एक बड़ा दिखाया गया है, जबकि दूसरी डाई का 5 छोटा दिखाया गया है। जो कलेक्ट करना है जो छोटा दिखाया गया है 5 दूसरी डाई का उसे कलेक्ट करना है। एक स्केयर कॉइन है जिसकी कीमत 20 से 50 रुपये तक जाती है। दोस्तों मेरे पास यह जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आपके पास इन सिक्कों की अधिक जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं, ताकि हमें और हम जैसे कई लोगों को ये जानकारी और अधिक मिल सके। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख दीजिए। आपको इन सिक्कों की अधिक और जानकारी है तो वीडियो 30% लोग ही सब्सक्राइबर देखते हैं, 70% सब्सक्राइबर हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। इसलिए दोस्तों आप हमारे वीडियो देखते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है। आप दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।